अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब ज़मीन पे अल्लाह के वली इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत का वक्त आया तो तारीख गवाह है 30 आमुल फील और 11 रजब को इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा बीबी फातिमा बिन्ते असद खाना काबा के करीब आती है और दीवार पर हाथ रख के कहती है, अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो बस दीवार काबा का टूटना था तो इमाम अली की वालदा का अंदर दाखिल होना था। तो ये मंजर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुतलब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालब की जोजा खाना काबा के अंदर चली गई, आओ काबे का दरवाज़ा खोल के उनको अंदर से निकालते हैं। ये बात मक्के से पूरे अरब में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालब की जोजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा खुलता नहीं है। उस वक़्त पूरी दुनिया में 2 लोग मुतमिन थे, एक हजरत अबू तालब और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ ने लिखा कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हजूम कभी भी इकट्ठा नहीं हुआ था। बस तारीख 13 रजब 30 आमुल फील सब खाना काबा को देख ही रहे थे कि इतने में दीवारे काबा हिलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरानगी से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालब फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ देखो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुँचे तो देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली की वालदा परेशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, आप गमजदा क्यों हैं? तब बीबी फातिमा बिन्ते असद फरमाने लगी, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेकर ये बच्चा ना रोता है ना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान इमाम अली के मुँह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान चूसने लगे। फिर जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब इस बच्चे के नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है। लोग पूछने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि इसका नाम क्या रखें। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगो, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफजल है, आला है और अल्लाह की मर्जी है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई पहुंच न सके। बस फिजा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगीं। इतने में जनाब अबू तालब इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेकर जा ही रहे थे कि किसी मुनाफिक ने कहा, ऐ अबू तालब, क्या वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है? मक्के में यह रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पे सांप छोड़ते थे। अगर सांप बच्चे को मार देता था तो ये समझते थे कि ये बच्चा अपने बाप का नहीं है। अगर सांप बच्चे को कुछ नहीं कहते थे तो फिर ये समझते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद है और हमारे लिए काबिल इज्जत बनेगा। हजरत अबू तालब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा और एक जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम को रख के कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पे तुम फख्र करते हो। वो सांप छोड़ा गया। जैसे ही वो सांप इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब आता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने नन्हे हाथों से इस सांप को चीर देते हैं। लोग जोर जोर से कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया, और ये आवाज गूंज गूंज के कहने लगी जैसे हैदर हैदर। इस आवाज को सुन के आपकी वालदा फातिमा बिन्ते असद आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर जो सांप को चीर के दो टुकड़ों में कर दे। सलाम हो अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो उनकी शुजाअत पर, सखावत पर, सलाम हो हर उस शख्स पर जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की फजीलत सुन के खुश होता है।